उत्तर प्रदेश इन दिनों दहशत के माहौल में है। बहराइच में भेड़िए का आतंक अभी थमा भी नहीं और संबल से भी भेड़िए के हमले की खबर सामने आ गई। बताया जा रहा है कि संबल में दो महिलाओं और दो युवतियों सहित चार लोगों पर भेड़िए ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। महिलाओं में एक बुजुर्ग महिला भी है जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि तीन का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें, सूचना मिलते ही संबल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया मोटरसाइकिल पर हमले वाली जगह का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि हमला किसी सियार या पागल कुत्ते ने किया है, इसलिए घायलों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। डीएम ने वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीमों को गाँव के चारों तरफ लगा दिया है। जैसे ही हमलावर जानवर दिखाई देता है उसे पकड़ा जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल में भेड़िए ने एक बुजुर्ग महिला और दो युवतियों सहित चार लोगों पर हमला किया है। ग्रामीण जंगल जाने से डरे सहमे हुए हैं। घटना भैजोई थाना इलाके के शयोराजपुर गांव की है। ग्रामीणों ने बताया कि महिला शनिवार की शाम को घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर खेत पर गई थी, तभी अचानक भेड़िए ने उस पर हमला कर घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास चारा काट रहे ग्रामीण वो महिलाएं मौके पर पहुंचे तो भेड़िया खेतों की ओर भाग गया। बताया जा रहा है कि संबल जिले में भेड़िए ने चार लोगों को अपना निशाना बनाया है। पहले भैजोई थाना इलाके के गांव शिवराजपुर की मैठिया निवासी 60 वर्षीय महिला माया देवी पर भेड़िए ने हमला कर घायल कर दिया, जिनके गंभीर रूप से घायल होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलीगढ़ के हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं इसके अलावा 45 वर्षीय महिला राम बेटी और दो किशोरियों पर भी भेड़िए ने हमला कर घायल कर दिया। सुनिए महिला से भेड़िए के हमले की पूरी कहानी। हाथ पकड़ खींच लिया, महिला ने बताया कि भेड़िया हमले के बाद उसे जंगल में ले जाने के लिए खींच रहा था, लेकिन उनके हाथ में तरान था जिसकी मदद से उसने भेड़िए पर वार किए और अपनी जान बचाई। बहरहाल आपको बता दें, यूपी में इन दिनों जंगली जानवरों के हमले से दहशत का माहौल बना हुआ है। बहराइच में भेड़िए के आतंक के बाद अब पश्चिमी यूपी में इसकी दहशत शुरू हो गई है। संबल में भेड़िए के हमले के बाद से ग्रामीण डरे हुए हैं। वहीं डीएम के निर्देश पर वन विभाग और पुलिस की टीमों को गाँव में लगाया गया है, जो यहाँ रहकर जंगली जानवर की जानकारी जुटाएंगे और अगर जानवर दिखाई देता है तो उसे पकड़ा जाएगा। पगमार्क देखने के बाद जो कल की घटना हुई थी, जिसमें दो बच्चे घायल हुए थे और एक राम बेटी नाम से जो महिला थी वो भी घायल हुई थी, और एक माया देवी थी जो जिसका हाथ नोच खाया गया था, उनको अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। बाकी तीनों सही हैं और उनको रेबीज का इंजेक्शन भी लगा दिया गया है। पगमार्क से ये प्रतीति हो रही है कि सीआर हो सकता है या कोई पागल कुत्ता भी हो सकता है, लेकिन सीआर थोड़ा अधिक लग रहा है क्योंकि उसके पगमार्क बहुत छोटे हैं और इस मौसम में सीआर पागल भी हो जाते हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, आज हमने बैठक भी ली है और चारों ओर जो हमारे फॉरेस्ट के गार्ड हैं, पुलिस फोर्स है और विकास और प्रशासन के लोग हैं, वो यहाँ रहेंगे। कहीं पर भी कोई दिखाई देता है तो फिर उसको पकड़ा जाएगा।